हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज कुछ स्पेशल होने वाला है। टुडे इज अ म्यूजिकल व्लॉग, दैट्स व्हाई मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे व्लॉग। मेरे ख्याल से खुशबू को बुला ही देता हूँ मैं। खुशबू, सो यप, आप भी रेडी? हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज केतन ने स्टार्ट किया क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जैम लॉन्च एक इवेंट में जो कि है म्यूजिक से रिलेटेड। तो इसीलिए केतन ने स्टार्ट किया क्योंकि केतन भी एक सिंगर है। तो वहाँ जाके हम लोग देखते हैं कैसा होता है इवेंट और आपको ब्लॉग के थ्रू पूरा इवेंट दिखाएंगे। यस, एंड आई थिंक आई गॉट माई दिस लॉकेट एज वेल विच रिप्रेजेंट मी। एस मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सो गाइज, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ बताइए हाउ दिस लॉकेट इज एंड लेट मी नो। एंड यस, सो विल कीप यू पोस्टेड। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो वहाँ जाएंगे, देन विल शो यू द स्टेज एंड ऑल, और फिर वहाँ का माहौल बताते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो शो का नाम है वो है द जैम लॉन्च सीजन 3, और उसमें मेरे तीन दोस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं मेन एज अ मेन सिंगर्स, और मैं इस बार एज अ व्यूअर्स वहाँ पर जा रहा हूँ। तीन फ्रेंड्स का नाम, एक तो रामकृष्णन, देन अरित्र, एंड थर्ड वन इज़ मिहिर। So all the best you guys, and unki performance bhi I'll record and I'll show you. So guys, hum log raaste mein hai jam launch event ke liye, aur I guess half an hour lagega. To jaise hi hum log wahan pahunch jate hain aapko dikhate hain. Aur jo third hai keyboard player hai wo hai Mihir Patel, wo bhi kafi acha dost hai mera, humne saath mein jamming bhi ki thi last time. So yes, we are actually looking forward to the event tonight, and uske baad hopefully agar aaj barish nahi hoti hai Sri Lanka mein, then main Madhur ke yahan ja raha hu, and then we will be watching the match tonight, which is India versus Pakistan. So excitement to hai hi hai, to jo hamara excitement hai, of course India mein bhi kafi excitement hoga, aur sab finger cross kar rahe hain ki Sri Lanka mein hopefully barish nahi ho, tabhi ja ke match dekh payenge. So yes, हमारी जो एक्साइटमेंट रहेगी हम आपको बताएंगे व्हाट वी गोना डू देयर, एंड या स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हम पहुंच तो चुके हैं, लेकिन हाउसफुल शो है और काफ़ी बिजी है। पार्किंग हमें कहीं नहीं मिली है, तो लिटरली हमें बैक साइड, जो कि यहाँ से जो इवेंट है वहाँ से 5 मिनट दूर है। So yep, we are going inside and we are really excited. Oh my।
अभी जस्ट शो ख़त्म हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेयर आर वी गोइंग? मधुर्स हाउस। हाँ, अभी हम मधुर के घर जा रहे हैं टू हैव अ डिनर, और अभी मैच हुई तो होपफुली बारिश नहीं हो। बट अबाउट द शो, शो बहुत 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 अच्छा था और काफ़ी अमेजिंग सिंगर्स थे। डू यू हैव एनीथिंग टू से? सो आई जस्ट लव दिस शो एट द इवेंट। मैंने जो बनाया उसकी तो नहीं लेनी। कौन सा बता? अच्छा, मेरी बैट। कुछ बोलना नहीं, बस क्योंकि आई वेंट टू दैट हमारा क्या था उसका नाम स्पोर्ट्स मेडिसिन कुछ सकते क्या बात कर रहे 65 पे चार गए भाई, क्या है देखो जडेजा पता है इसमें अंडा नहीं है इसलिए मधुर वो खाना चाहता है। मधुर नहीं, केले कर मधुर, तुम्हारे कोई नो ने उन्हें भंडारा है।
सो गाइज काफ़ी लेट पोस्ट में डाल रही हूँ क्योंकि बिजी स्केड्यूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग एडिट करने का. आई होप व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा हो. विल सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय. New look to the game. 4-8-7.